नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपनी वार्ड की समस्या और वार्ड में प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 36 लोहिया नगर में, और लोहिया नगर के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं आनंद कुमार जायसवाल जी। आनंद कुमार जायसवाल जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पर बातचीत होगी। उसके पहले जो है उनके पिताजी हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। मेरा नाम ओम प्रकाश जायसवाल है। मैं यही टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है मैं बीटेक किया हूँ। और मैंने देखा रिटायर होने के बाद हमारी मोहल्ले की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि नाली का पानी और रोड बिल्कुल उसका पानी भी जो है घर में घुस जाता है, और सारे मकान जो है ख़राब हो रहे हैं। 1 से 1.5 फीट जो है गहराई को होते हुए सारे मोहल्ले के लोग त्रस्त थे। तो हमने जो है इस नया युग के लिए मैंने अपने लड़के को, आप नौकरी में हैं लेकिन अपने बेटे को राजनीति में क्यों ला रहे हैं? इसलिए लाए कि ये सिचुएशन बदले। एक तरफ तो ऑफिसर पढ़े लिखे रहते हैं जो बीटेक किए हुए रहते हैं, और दूसरे तरफ जो है एक अनपढ़ टाइप का जो है अंगूठा छाप जो है व्यक्ति बैठ जाता है पार्षद के लिए चाहे किसी चीज़ चुनाव के लिए, तो तालमेल बैठता नहीं है। और तालमेल न बैठने की वजह से समाज का सुधार में कोई नया चीज़ नहीं होने पाता है, जिसके वजह से जो है समाज भी झेलती है, राष्ट्र भी झेलता है, और सारा देश झेलता है। इस चीज़ को मैं ख़त्म करने के लिए मैं अपने पढ़े लिखे लड़के को जो है जो MSc IT ऑलराउंड फर्स्ट क्लास, उसको मैंने पार्षद के लिए खड़ा किया, ताकि लोग कहते थे पहले आप क्यों नहीं अपने लड़के को खड़ा करते हैं। हमने इस वजह से जो है अपने पढ़े लिखे लड़के को जो है खड़ा किया, जो कि MSc IT है और ऑलराउंड फर्स्ट क्लास, उसको मैंने पार्षद के लिए दिया। और ये सब जितनी चीज़ें हैं जो हमारे यार्ड में, यानी पहले नाली का और रोड का जो है पानी घुस जाता है, लोगों को तकलीफ़ होती है, मैंने सोचा हूँ कि नाली इस तरह से जो है मॉडर्न दिया जाए कि विदेशों वाले भी जो है हमारे नाली का अनुकरण करें, अगल बगल के लोग भी अनुकरण करें, जिसके वजह से जब नाली का जो है उसमें पानी दिखाई नहीं देगा रोड पर, तो ये निश्चित है कि ना आपका उसमें कोई मच्छर उत्पन्न होगा, ना कोई कीड़े मकोड़े उत्पन्न होंगे, और सारे मकान जो है 1 से 1.5 फीट नीचे हो जाएंगे, जिसके वजह से जो है सांप बिच्छू भी घर में नहीं घुसने पाएंगे, और मनुष्य जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने मकान में जो है कहीं से भी थका हुआ आएगा तो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। सर, आपके बेटे जो है MSc IT हैं, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी में न भेजकर आपने राजनीति में भेजा? नहीं, नौकरी का तो ये है ना कि नौकरी में तो ये है कि जब कहीं वैकेंसी निकलेगा तब ना अप्लाई करेगा, और उसके बाद जो है समाज लगा नहीं तो नहीं, समाज को जो है सुधारने का कोई काम भी तो नहीं ना हो पाएगा, उसमें चांस नहीं मिल पाएगा, और ज़िंदगी भर जो है वो नौकरी में ही रह जाएगा और दूसरे की जो है आर्डर को फॉलो करते रह जाएगा। तो इसमें तो ये अपना स्वतंत्र होकर के जो है जब पार्षद के स्वभाव है, सर बहुत अच्छा स्वभाव है, और मैंने जो है इनको बचपन से ही लेकर के आज तक जो है गाइड करता रहा और बराबर देखता रहा हर एक जगह जो है खाने पीने रहने, इनके दोस्तों के साथ जो है किस तरह से बात व्यवहार है, ये सब मैं बराबर इनका चेज करता रहा, और इनको मैं अपने लिए इसलिए जो है सुटेबल समझा कि समाज में एक नई चेंजिंग आए, बदलाव आए, और चेंजिंग ला सकते हैं, बदलाव लाए। हाँ, बदलाव में समाज में जो है क्या यार्ड में पहले शुरू करेंगे, और यहाँ चेंजिंग होगा, आसपास के जो है यार्ड वाले भी देख करके उसका अनुकरण करें, और केवल नाली और पानी का ही मैं नहीं चेंजिंग करूँगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे घरों में रहने वाले सबके पास पैसा है, और कभी आजकल हार्ट का जो हुआ, ब्लड प्रेशर का हुआ, इस तरह की जो बीमारियाँ चली हुई हैं, अभी हाल ही में कोरोना गया, तो कभी ऐसा होता है कि मकान में अपने घर में अकेले रहना पड़ जाता है, पता चलता है कि व्यक्ति जो है अकेले पड़ जाने की वजह से ना दवा कर पा रहा ना कुछ कर पा रहा, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है अकेलापन जो है उसको हार्ट का जो है पेशेंट हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाती है और ख़त्म हो जाता है व्यक्ति। जब घर के लोग आते हैं देखते हैं कि हाँ किसी तरह से जो है वो यानी व्यक्ति नहीं है, तो उसको अफसोस होता है। तो इस चीज़ में मैं चेंजिंग लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हर एक घर घर में जो है यानी डॉक्टर आए, चेक करें और स्वास्थ्य का निरीक्षण करें। मैं सरकार से भी जो है आग्रह करता हूं कि इस चीज़ को दें।
थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए हम थोड़ा सा प्रत्याशी जी से भी बातचीत कर लेते हैं। भैया आनंद कुमार जायसवाल जी, आनंद कुमार जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत सर, आप राजनीति में आए हैं और जब चुनाव प्रचार के लिए आप अपने वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोग अपनी समस्या क्या व्यतीत कर रहे हैं, क्या आपके सामने रख रहे हैं, क्या क्या समस्या? वो भी चाहते हैं कि हमारे जो वार्ड में है कुछ समस्या ऐसी हैं जो पहले हो जानी चाहिए थी, निदान हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक निदान हो नहीं पाया है। तो वो भी चाहते हैं कुछ चेंजिंग हो, कोई नया प्रत्याशी आए और ये सब जो समस्याएं जो खत्म हो सकती थी लेकिन हुई नहीं अभी तक, वो हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग को अब नहीं, कहते हैं ना कि लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, एकजुट नहीं हो पा रहे, वो हम देखें कि समस्या बहुत ज्यादा है आपका। सर देखे हैं निगम का जो है आपका व्यवस्थाएं देने के लिए है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तो समस्याएं निदान नहीं होंगी और आपको वो जो सुविधा मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाएगी। सर जनता कहती है कि चुनाव जीतने से पहले सब लोग ऐसे बतियाते हैं और जीत जाने के बाद फोन नहीं लगता है, आनंद कुमार जायसवाल जी का फोन लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। अब तो आपको जनता खुद बताएगी फ़ोन लग रहा है कि वो काम करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो तो जनता के ऊपर है, वो आपको बताएगी। हमें अपने मुँह से क्या अपने बड़ाई करूँगा जी। ये जनता जो कहती है सर, सही कहती है ना कि सर क्या राय है आपकी, चूंकि आप हमारे अनुभवी हैं। जो कहती है वो तो देख रही है ना, तो वो जो देखेगी वो सही कहेगी। लेकिन इसीलिए जो आज तक कोई भी जनता के व्यक्ति जो है पढ़े लिखे अपने लड़के को जो है इसमें आज तक नहीं दिया है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस तरह का कर रहा हूँ और शुरुआत कर रहा हूँ। और मेरा जो है झुकाव यह है कि केवल नाली और रोड ही नहीं है, मेडिकल की सब फैसिलिटी है, उसके बाद जो है व्यक्ति जो है अपने घरों में चाहे अपने मोहल्ले में एकदम स्वतंत्र होकर के रह सकता है, निश्चिंत होकर के रह सकता है, किसी तरह की उसको कोई डर नहीं रहेगा। मैं ऐसी चुनावी मुद्दा है कि आएगा भी धरातल आएगा, ये करेंगे। और मैं जो चुनाव से पहले भी आज मैं प्रशासन से और जो लोग जो है इससे इन्वॉल्व है उन लोग से, मैं अधिकारियों से बात कर चुका हूं कि मैं अपने लड़के को जो है दे रहा हूं। और चूंकि मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है मेरा विषय था और मैं उसे जो है अच्छा खासा जो है नॉलेज भी पाया, मुझको जो है सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है, क्योंकि मैं जो है कम्युनिकेशन को मेनटेन करता था। अब मेंटेनेंस की वजह से जो है, चूँकि मेंटेनेंस में ये सब चीज़ जानना जरूरी है, नहीं तो मैं अपने इम्प्लाई से काम नहीं ले सकता हूँ। बिल्कुल, तो उस जानकारी को जो है मैं अपने लड़के को गाइड करके ये सब चीज़ें जो है देऊँगा। और यही भर नहीं है, यानी व्यक्ति जो है स्वस्थ भी रहेगा और हर चीज़ों से खुशहाल भी रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले के लड़के जो हैं वो पढ़ लिख करके जो है बेकार हो जाते हैं, या कुछ गरीब जो है परिवार ऐसा है जो उनको रोजी रोटी नहीं मिल पाती है, तो मैं उनको कोई साधन बता करके उनको रोजी रोटी का जो है बंदोबस्त करा दूंगा, जिससे उनकी जीविका जो है खुशमय चलेगी और कभी जो है उनको ये नहीं महसूस होगा कि मैं गरीब हूँ। सर युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अभी एक युवाओं हमको अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे ऐसा ना है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो हैं वो भी इसी कंडीशन में रहें, उनको भी सुविधा नहीं मिल पाई जो नगर पालिका दे सकता है, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के भी के लिए प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है कि हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे माहौल में रहें। सर देखा गया है कि ये जो नगर निकाय का चुनाव है इसमें बड़ी बड़ी पार्टियाँ आ रही हैं, उसमें आप निर्दल प्रत्याशी हैं, कैसे टक्कर दें? जाहिर सी बात है, हमें निर्दलीय या जो भी प्रत्याशी जो पार्टीज हैं हमें उनसे टक्कर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अगर जनता रहेगी तो जनता हमें ही उठाएगी या हमें जिताएगी। जाहिर सी बात है, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगा, मुझे रिजल्ट से भी कोई मतलब नहीं। अगर होता है तब भी ठीक है, नहीं होता तभी मैं इस क्षेत्र में उतर गया हूँ, तो मैं जरूर से जरूर सुधार करवाऊँगा। अभी जब चुनाव आ गया है तब आपको समस्या दिखने लगा है, आखिर इसके पहले भी दिखाई देता था? इसके पहले भी दिखाई पड़ता था, हम लोग बकायदा, हम और मेरे फादर दोनों लोग जाते थे बकायदा नगर निगम में जाते थे, ये अप्लाई भी करते थे, हमारे साथ कई लोग उठे भी थे, साथ हम लोग सहयोग भी देते। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चंड मुट्ठी से भरे लोगों से काम नहीं होता, और भी लोगों का सहयोग चाहिए तभी वो काम होता है आगे। लेकिन इसी वजह से मुझे इस क्षेत्र में उतरना पड़ा। अगर आपको वार्ड संख्या 36 की जनता, लोहिया नगर की जनता आपको अपना पार्षद चुनती है, तो वार्ड संख्या 36 में पहला काम क्या करके दिखाएंगे? सबसे पहला काम तो मेरा यही रहेगा, सबसे पहला जो है नालियों का पहले व्यवस्थितकरण कराने के लिए, क्योंकि नालियों की जो व्यवस्था बहुत मैंने अस्त व्यस्त है, जिससे सारे लोग त्रस्त हैं। उसके बाद मैं उसके बाद रोड का व्यवस्था करवाऊंगा, क्योंकि रोड उसके बाद आता है कैटेगरी, फिर आपका साफ सफाई हुआ, फिर मच्छरों का जो छिड़काव होना चाहिए वो जरूरी हुआ, फिर स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधा मिलनी चाहिए वो, क्योंकि एक के बाद एक नियम उसके बाद बदलते जाएंगे। लोगों में हम चले हैं सर, तो लोग कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे प्रत्याशी, आपका समर्थन देखने को मिला है, लेकिन उसी बीच में एक व्यक्ति थे वो भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की एक गंभीर समस्या जलभराव की समस्या भी है, उसको आप कैसे नहीं जाती लाएंगे?
जाहिर सी बात है कोई बड़ी समस्या है नहीं जब हमारे समुद्र में से पानी निकाला जा सकता है, मैंने उसमें आपका समझे पुल खड़ा किया जा सकता है, तो ये छोटी समस्या है। अभी तक मैंने कि इंजीनियर जो हमसे अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं जो गोरखपुर के मैंने पूरा वार्ड को क्या मैंने पूरे गोरखपुर को संभालते हैं, तो ये अभी तक छोटे से चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं। उनको आपको याद दिलाना पड़ेगा, आप इंजीनियर हो, आपको इस सब सुविधा के लिए लोगों को देना पड़ेगा जो उनका हक है। सर चूँकि युवा प्रत्याशी हैं आपके पुत्र और आप अनुभवी हैं, तो अनुभव लोगों सबसे बड़ा जो है मैं बता रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं कि क्या कैसे आपने जो है रोड का नाली का पानी करिएगा। देखिए पहला तो यह है कि नाली को जो है मैं इस यानी प्रिंसिपल पर बनाऊँगा, इस सिद्धांत पर बनाऊँगा कि कहीं व्यक्ति को जो पानी नज़र नहीं आएगी, और उसमें जो है एक तकनीकी ये दूंगा टेक्नोलॉजी कि जो मेन रहेगा उसमें जो है बहाव, क्योंकि हवा का दबाव इतना अधिक पड़ता है, 10 टन का हवा का दबाव पड़ता है एक व्यक्ति के ऊपर, और जब उसके अंदर दबाव पड़ेगी उस नाली के पर जो है जो घरों के पानी निकलेगा तो उसके अंदर एक वेलासिटी पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से कोई कचड़ा उचड़ा भी जो है नाली के अंदर से वो पास हो जाएगा, तो जिससे कि कभी नाली वो जाम नहीं होगा। जो लोग जो है लापरवाही करेंगे उन्हीं का नाली का पानी जो है उन्हीं के दरवाजे पर जहाँ से वो पानी गिराएंगे वहीं पर उनका जाम होगा, तो कोई भी जो है सफाई कर्मी या वही मकान के जो लोग जिनके आप कचड़ा गिराएंगे वही साफ़ कर लेंगे, नहीं साफ़ करेंगे तो उन्हीं का ही केवल जो है मकान की जो है आगे जो है पानी लगेगा, नहीं तो पानी जो है स्वच्छंद होकर के जो है नाली में चला जाएगा और वो प्रेशर से जो है अपना बह करके निकल जाएगा। कहीं भी आपके रोड पर जो है यानी केवल रोड पर जो है केवल जो है आपको नाली जो है सब ढका हुआ रहेगा, कहीं ओपन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से एकदम पैक रहेगा वो। बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कैसे क्या कहेंगे आप, आपकी क्या राय है? नहीं बड़ी पार्टियों से मतलब नहीं है, हमें अपना देखना है, क्योंकि मैं जो है उस चीज़ों के झेला हूँ आज मोहल्ले में, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, और ये लगभग जो है पानी का नाली का समस्या जो है आज 20 सालों से है, और सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम पूरे गोरखपुर का हो गया है, चूँकि गोरखपुर जो है एक तस्तरी के रूप में बसा हुआ है, नदियाँ सब ऊँची ऊँची हैं और मकानें सब नीचे नीचे है, शहर भी नीचे पड़ी है, तो इसके लिए जो है एक नया टेक्नोलॉजी देंगे, जबकि समुद्र से जो है तेल निकाली जाती है, उस तेल में एक बूंद भी जो है पानी का बूंद नहीं रहता है, तो ये तो जो है कई 100 मीटर यानी 200-300 मीटर अंदर जाने के बाद या तो कहिए तो 1000 मीटर अंदर जाने के बाद जो है वो तेल निकलता है, तो हम जो है एक अपने मोहल्ले का 2 से 2.5 फीट गहरा पानी नहीं निकाल सकते, बहुत ईजी है, लेकिन हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। पहले ज़माने में क्या होता था, केवल मट्टी मिलता था, लोग मट्टी भर करके जो ऊँचा कर देते थे, कुदाल से खींच के नाली बना देते थे, उसके बाद जो है कुछ यानी ईंटा आया तो ईंटा का प्रयोग करने लगे, अब जो है अच्छी खासी गिट्टी मिलती है, अच्छी खासी यानी छड़ मिलते हैं, सीमेंट मिलते हैं, और जिसका उपयोग करके जो है आदमी अच्छे से अच्छे नालियों को बना सकता है, और जिससे ये होगा कि नाली के बन जाने से मैं नया मॉडल में दूंगा उसका अनुकरण, मैं ही सोचता हूँ कि फॉरेन वाले भी करें, और मैं पहले अपने मोहल्ले से शुरू करना चाहता हूँ। सर